मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के हित में लिए गए फैसले के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा नरसिंहपुर द्वारा आतिशबाजी कर और मिष्ठान वितरण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का अभिनंदन सहित आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजीमो जिला अध्यक्ष विनीत नेमा ने कहा कि निश्चित ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के जीवन स्तर सुधारने में ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के युवा वर्ग को आरक्षित करने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। भाजीमो नरसिंहपुर मंडल अध्यक्ष शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि इस निर्णय से जहां प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को रोजगार के व्यापक स्तर पर अवसर मिलेंगे, वहीं प्रतिभा पलायन भी रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। उस आंतरिक लोकतंत्र के लिए ही आज हम सब लोग गोटेगांव ग्रामीण मंडल की बैठक पर आए हुए। मंडल की कार्य समिति का गठन होना है, उसके लिए सभी से वरिष्ठों से राय सुमारी कर सभी की सहमति आम सहमति के साथ बनाकर हम सब लोगों ने मंडल की कार्यकारिणी बनाने का काम प्रयास किया है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को हम सब लोग ये कार्यकारिणी यहाँ से भेजने वाले हैं, इसके बाद जिला से ये कार्यकारिणी घोषित होने वाले। जोश तो आपको दिख ही रहा है, बाकी ये मूल विषय है भारतीय जनता पार्टी की जो मूल इकाई रहती है, फिर मोर्चा प्रकोष्ठ बाद में आते हैं, उनके गठन का कार्यक्रम है और इसमें दो प्रतिनिधि जिले से और एक प्रतिनिधि प्रदेश से। ये जो संगठनात्मक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, आंतरिक जो लोकतंत्र कहलाता है, उस नाते से आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। जहाँ तक बात है कि आपका कहना है कि युवाओं को मौका मिला, अब युवाओं का देश है, युवाओं के नाते से ज़्यादा मौका दिए जा रहे, संगठन ने तय किया